एक और बड़ी खबर है, मदरसों के सर्वे पर मचे घमासान के बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देवबंद में होने वाले उलेमा सम्मेलन पर रोक लगाने की मांग की है। ये सम्मेलन 18 सितंबर को होने वाला है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देवबंद में होने वाले उलेमा सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देश भर के मदरसों के सर्वे को लेकर उठे बवाल के बीच यूपी के देवबंद में 18 सितंबर को उलेमाओं का सम्मेलन होने जा रहा है। जमीयत उलेमा ए हिंद समेत कई इस्लामिक संगठनों ने देवबंद में प्रस्तावित सम्मेलन का ऐलान किया है। अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंदीर ने इस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पुंडीर का दावा है कि इस तरह के सम्मेलन में भड़काऊ बयान दिए जाते हैं जिससे देश का माहौल खराब होता है, लिहाजा इस तरह के सम्मेलन पर रोक लगनी चाहिए। पुंडीर ने ये भी कहा कि मदरसा बोर्ड द्वारा जो मदरसे चल रहे हैं उनमें शिक्षा का अधिकार और कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि मदरसों में ये कानून लागू ही नहीं हो रहे। इससे पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने मंगलवार को इससे जुड़ी बैठक की थी जिसमें यूपी के विभिन्न जिलों के मदरसों के प्रधान अध्यापकों ने शिरकत की थी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने बैठक में सरकार की नियत पर सवाल उठाया है और सरकार को बातचीत करने का न्योता दिया। अब मदरसों के सर्वे को लेकर फिर से देवबंद में उलेमा जुटने जा रहे हैं।